विश्व पर्यावरण दिवस पर हरदोई में भारत स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा अपने अपने घरों पर पौधा लगाने का वीडियो भेजकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान दिया। श्रीराम वाजपेयी स्काउट भवन में सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव और स्काउट गाइड के अध्यक्ष अभय शंकर गौर द्वारा पौधे रोपित किए गए। स्काउट गाइड के बच्चों ने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पौधारोपण किया। स्काउट गाइड के अध्यक्ष ने बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान आज प्रकृति के इस परिस्थिति तंत्र को समझकर संतुलन बनाए रखने में योगदान देने के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे जो स्काउट गाइड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इनके जो भी प्रशिक्षक और जो पदाधिकारीगण हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों के द्वारा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए यहाँ पर कुछ वृक्ष लगाए गए तथा इनके जो लोग जहाँ पर हैं, इन लोगों के यही निर्देश थे कि अपने घरों पर जहाँ भी इनको जगह उपलब्ध हो वहाँ पर वृक्षारोपण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन लोगों के द्वारा शपथ लिया गया है कि हम उसका पूर्ण रूप से देखभाल करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे और आने वाले सालों में इससे जो पर्यावरण में सुधार होगा, इससे जो उत्पाद मिलेंगे तो उससे जो हमारी आने वाली जनरेशन से आने वाली जो नस्लें हैं उसका पर्यावरण सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। आज इसी क्रम में यहाँ जो स्काउट भवन है GGIC में, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्यक्ष जी द्वारा जो है वृक्षारोपण कराया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा का कहते हैं क्या पालन किया आप लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर। इस बार कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण के संतुलन की है। संतुलन आज आवश्यकता बन गई है, इसलिए क्योंकि कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, और अगर व्यक्ति को अपने अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो उसको प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। आज यही बात बताई जा रही है कि कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए लोगों को, हर व्यक्ति को अपने अंदर एक इम्यूनिटी बनानी है, और ये इम्यूनिटी बनाने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ चलें। ये काढ़ा, कई चीज़ों का काढ़ा पीने की बात आज करी जा रही है। ये अगर पौधे नहीं होंगे, अगर इस तरीके से हमारा पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। आज इस चुनौती को आज याद करने की ज़रूरत है। इस चुनौती पर हर आदमी को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत। पंकज यादव, तुम्हारी। कोरोना महामारी के समय में प्रकृति के प्रति सजग होना आवश्यक है, नहीं तो जिस तरह से समुद्र में निसर्ग तूफान, धरती पर कोरोना महामारी और बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का लगातार सामना करना पड़ेगा। स्काउट गाइड के बच्चों ने अपने साथियों को मास्क के लगातार प्रयोग, शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं के बारे में सजग किया।